आज हम काफी बढ़िया प्रोटीन पाउडर बनाएंगे। इसके लिए मैंने गैस पे ये पैन गरम करने रखा है। इसी के अंदर आप मखाने डाल दीजिए। मखाने आपको 2 कप यूज करना है। उन मखानों को बिल्कुल लो फ्लेम पे कम से कम 8 से 10 मिनट तक रोस्ट करना, जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं। बस इस तरह से इसे चलाते जाइए और अच्छे से इसे आप रोस्ट कर लीजिए। मखाने के अंदर काफी ज्यादा प्रोटीन रहता है। देखिए मखाना जो हमारा काफी बढ़िया क्रिस्पी हो गया है। गैस को आप बंद कर दीजिए, इसे ठंडा करने रख दीजिए। मैंने फिर से गैस पे पैन रखा है। इसमें 1/2 कप मैंने बादाम लिए। बादाम को हमें 2 मिनट तक रोस्ट करना है। उसके बाद इसी के अंदर हम भुना हुआ जो चना रहता है, 1/4 कप भुना हुआ चना डालेंगे। बिना छिलकी का ही आपको यूज करना है। छिलकी के साथ अगर इसे ग्राइंड करेंगे हम तो इसके जो छिलके हमारे गले में अटकेंगे। 2 मिनट चना भूनने के बाद इसी के अंदर आप 1/4 कप मैंने कद्दू के बीज लिए, इसे भी हम 2 मिनट तक भून लेंगे। जब 2 मिनट इसे भूनते हुए हो जाए, उसके बाद इसी के अंदर आप मगज के बीज डाल दीजिए। मगज के बीज या फिर तरबूज खरबूज किसी के भी आप बीज ले सकते हैं। मैंने 1/4 कप लिए हैं। इसे भी आपको 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है। उसके बाद इसी के अंदर आप खसखस डाल दीजिए 1/4 कप। इसे भी हम 2 मिनट तक भून लेंगे, क्योंकि खसखस को भूनने में सबसे कम टाइम लगता है, इसलिए हमने इसे सबसे लास्ट में डाला है। बस अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसे भूनते जाइए। काफी बढ़िया सारी चीजें हमारी भून चुकी है। इसे आप ठंडा करने के लिए अलग प्लेट में रख दीजिए। मैंने ये खारक लिए, 15 पीस मैंने खारक के लिए। इसे हम थोड़ा सा कूट लेंगे। इस तरह से कूट कर इसका जो बीज है, जो कोटली है इसकी, उसे आप कर लीजिए अलग। ऊपर से जो केप जैसे रहती है उसे भी आपको अलग करना जरूरी है, क्योंकि वो बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं होती है। ऊपर वाली केप हटाते जाइए, अंदर से बीज जो है इसे अलग कर लीजिए। उसे थोड़े से छोटे पीस में तोड़कर आप तैयार कर लीजिए। बिल्कुल हाथों से भी अगर इसे हम तोड़ते हैं तो बिल्कुल आसानी से टूट जाता है। देखिए बिल्कुल आसानी से टूट जाएगा ये। इसे भी हम साइड में अलग कर देंगे। मैंने ये मखाने लिए। मखाने पूरी तरह से मेरे ठंडे हो चुके हैं। मिक्सी के सूखे और साफ जार के अंदर इसे आप डाल दीजिए और इसे एक बार ग्राइंड कर लीजिए। मखाने को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसी के अंदर हम खारक डाल देंगे और इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। इस तरीके से ग्राइंड हो चुका है। जो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स और बीज को रोस्ट करके ठंडा करके रखा था, इसे भी आप इसी के अंदर डाल दीजिए। इसी के अंदर मैं अच्छे टेस्ट कलर के लिए केसर का यूज कर रही हूँ। थोड़े से केसर के आप धागे ले लीजिए, 20 से 25 इसके अंदर आप डाल दीजिए और इसे हम अच्छे से जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक इसे आप ग्राइंड कर लीजिए। अगर बच्चों के हिसाब से इसे आप बना रहे हैं तो इसे छन्नी से आप छान लीजिए, ताकि इसमें बिल्कुल भी मोटे पार्ट नहीं रहेंगे। इसे स्टोर करने के लिए आपको कांच के जार का ही यूज करना है। प्लास्टिक में या फिर स्टील के कंटेनर में इसे आपको नहीं रखना है। इस तरह से मैं इसे पूरा भर लूंगी। ये देखिए कितना सारा हमारा प्रोटीन पाउडर जो है बन के तैयार हुआ है। इसे हमें यूज किस तरह से करना है वो तरीका बता रही हूं मैं। गैस पे आप एक पैन गरम करने के लिए रख दीजिए। पैन के अंदर हम 1 ग्लास दूध डालेंगे। दूध अगर गाय का रहेगा तो आपको बढ़िया इसका रिजल्ट मिलेगा। इसी के अंदर 1/2 चम्मच से कम में मिश्री डाल रही हूँ। आपको मीठेपन के लिए मिश्री का ही यूज करना है, शक्कर का यूज नहीं करना है। आप चाहे तो मिश्री को बारीक पीस के इसके अंदर भी मिला सकते हैं। अगर कोई शुगर पेशेंट है उसे अगर आप देना चाहते हैं तो इसे आप शुगर को बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड मत कीजिए, मिश्री को अलग ही रहने दीजिए। इसी के अंदर मैंने 1/2 चम्मच ही जो हमने प्रोटीन पाउडर बनाया था इसे आप डाल दीजिए और इसे अच्छे से बॉईल आने दीजिए। जैसे एक उबाली आ जाएगी इसे एक बार आप मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर दीजिए। सिर्फ हमने 1/2 चम्मच डाला, उसी के अंदर दूध जो है हमारा थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। बहुत ज्यादा इसे बॉइल नहीं करना है, बस हमारी मिश्री मेल्ट हो जाए, सारी चीजें एक बार उबल जाए। इसे आपको डेली रात को सोते समय लेना है। 1 हफ्ते में ही आपको इसका जादुई असर दिखेगा। साथ में आपकी हड्डियां भी मजबूत होगी,
ना ही आपको जल्दी बुढ़ापा आएगा, चेहरे पे चमक भी रहेगी, साथ में आपके बाल भी मजबूत होंगे। इतना बढ़िया हमारा ये प्रोटीन पाउडर बनके तैयार हुआ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।